अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट वेट एक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए टॉपिक है बक्स मिल्क अकाउंट कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वेबसाइटों पे काम करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ढूंढते हैं, तो फिर जब वो ढूंढ लेते हैं और अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं उस वेबसाइट पर, तो वहाँ पर तो भाई BTC में अर्निंग मिलती है या तो फिर दूसरे स्किल में मिलती है, पायर में मिलती है, XYZ। तो फिर हम तो पाकिस्तानी भाई, हमें जेज कैश में पेमेंट चाहिए, हम क्या करें भाई। तो इसी वजह से आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बक्स मेल का अकाउंट कैसे बनाएं, क्योंकि बक्स मेल एक वो वॉलेट है जिससे आप इजीली पेमेंट अपने अकाउंट में जेज कैश में ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे मैं तरीकेकार आपको बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा। सबसे पहले आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो स्किप करी तो फिर आप स्टेप मिस कर जाएंगे और आपका अकाउंट प्रॉपर भी नहीं बनेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरा GetWayTech यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ बक्स मिल की वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पर पहुँचें। मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो साथ साथ अकाउंट बनाते हैं ताकि आसानी हो जाए कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है, उसको फिर वेरीफाई कैसे करना है और फिर उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कैसे उसमें पेमेंट लेनी है, कैसे उसमें अपने उसमें जेज कैश से उसको फिर ट्रांसफ़र करना है, सारा तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, स्किप नहीं कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये साइन अप का बटन, आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। आपने साइन अप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम देना है। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, आशिर अली, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है, वो ईमेल एड्रेस देना है जो आपके हर वक्त इस्तेमाल में रहता हो, क्योंकि ईमेल जा सकती है, कोड और कन्फर्मेशन के लिए ईमेल आ सकती है, तो आपने वही ईमेल देना है, ठीक है। मैं यहाँ से ईमेल दे दी। पासवर्ड आपने वही बनाना है जो आपको याद रहे, कुछ सिंबल यूज़ करना है, कुछ अपर केस यूज़ करना है, कुछ लोअर केस यूज़ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पासवर्ड बना लिया। उसके बाद आपने आई एम एन और नॉट रिवॉर्ड पर क्लिक करके और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए, ये कह रहा है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अब आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। आपने जो ईमेल दिया था वही आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर दोबारा से देना है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड आपने यहाँ पर पुटअप करके यहाँ पर रिमेंबर मी पे क्लिक करके साइन इन कर लेना है। जो ही मैंने साइन अप किया तो आपने ये पासवर्ड सेव कर लेना, ताकि आपको बार बार ना पूछना पड़े, ठीक है। जो ही मैंने इसको लॉगिन किया तो ये कहता है कि प्लीज़ फर्स्ट क्रिएट योर 5-डिजिट पिन, यानी कि आप अपने एक ऐसा खुफिया पिन बनाएं, कोई ऐसा सीक्रेट पिन जनरेट करें जो आपको हर वक्त याद रहे, जिससे आपको मालूम हो कि मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस दौरान मेरे से ये पिन पूछा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पास जेज कैश अकाउंट होता है तो हमारे पास उसमें पिन एक कोड होता है, MPIN होता है। जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हमसे बार बार वही पिन पूछता है कि यार अपना पिन बताएं। जब पिन डाल देते हैं देन वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने वही पिन जनरेट करना है, वही नहीं करनी है, आपने मुख्तलिफ कर लेनी, तो उसी से रिलेटेड आपने कोई एक पिन जनरेट कर लेनी है अपनी मर्जी से, तो जो आपको याद रहे। जब आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपकी पिन क्या है, देन आपकी ट्रांजेक्शन आगे परफॉर्म होगी। तो मैं यहाँ पर अपना पिन बना लेता हूँ, मैंने पास यहाँ पर पिन बना ली है, ये देखें ये मैच भी हो गई है। और यहाँ पर मैं अब इसको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये कहता है देखिए, सक्सेस पिन कोड सक्सेसफुली एडिट, आपका पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें डैशबोर्ड पे आपको टोटली आपको नजर आएगा कि आपका बैलेंस PKR में कितना पड़ा हुआ है, सब यहाँ पर आपकी डिटेल यहाँ नजर आएगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, टोटल कितना है, सब आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि यहाँ पर हमने अगर कोई BTC से पेमेंट लेनी है तो यहाँ पर कैसे लेंगे और उसको जेज कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही
जो है ना सुनने वाला टॉपिक यही है कि मेन बात यही है कि हम BTC तो अर्न कर लेते हैं, लेकिन BTC को आप कन्वर्ट कैसे करें अपने जैस कैश अकाउंट में और PKR में उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग के बाद आपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल में आपने यहाँ पर अपना अकाउंट पिन करके यहाँ पर आपने फुल नेम देना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, ये आपका API की है, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आपने यहाँ पर एंटर करके अपडेट नाउ पे कर लेना है। अभी फ़िलहाल अपडेट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से अपना फ़ोन नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर आपका अपडेट कर लेते हैं। फ़ोन नंबर आपका अभी फ़िलहाल, मैं यहाँ पर पाकिस्तानी है तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। मैंने नंबर हाइड कर लिया क्योंकि यार फिर कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अब मैं यहाँ पर पिन दे देता हूँ जो मैंने पिन बनाई थी, क्योंकि जब जब मुझे कोई चेंजिंग करनी होगी तो मुझे यहाँ पर अपना पिन देना होगा। ये देखें सक्सेस पिन आ गया, मैं इसको यहाँ पर अपडेट नाउ पे कर लेता हूँ। ये कहता है सक्सेस फोन नंबर अपडेटेड, ठीक है मेरा नंबर भी अपडेट हो चुका है। और ये अब कह रहा है कि अभी अनवेरीफाइड है, हम आपके ऊपर इसके ऊपर एक SMS सेंड कर रहे हैं, तो अगर आपको कोड आएगा तो आपने यहाँ पर कोड देकर आपने इसको एक्टिव वेरीफाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ से सेंडिंग SMS कर लेता हूँ जी। तो फ्रेंड मेरे पास SMS आ चुका है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस वेरिफिकेशन कोड सेंड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर वो डाल लेता हूँ, मैंने यहाँ कोड पुटअप कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ से अब इसको वेरीफाई करने लगा हूँ जी। तो फ्रेंड ये देखें मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरीके से अपना अकाउंट वेरीफाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका है चेंज योर पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड दे के, न्यू पासवर्ड दोबारा से दे के, रीइंटर करके और अपना पिन यहाँ पर दे के, क्योंकि देखें आपकी पिन हर वक्त आपको ज़रूरत देगी, तो इसलिए आपने पिन लाजमी याद रखना है अपना। उसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन पर जाना है मैनेज फंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखें यहाँ पर डिपॉजिट ट्रांसफ़र विदड्रॉ और सच डेटा, तो आपको दो इस्तेमाल करने हैं डिपॉजिट और विदड्रॉ का। या तो हम इस वेबसाइट से विदड्रॉ लेंगे या इस वेबसाइट के थ्रू कहीं और डिपॉजिट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी वेबसाइट पर काम किया तो आपने Coinbase का वॉलेट बनाया हुआ होगा, ब्लॉकचेन का अकाउंट बनाया हुआ होगा, या कोई भी और BTC वॉलेट है, Binance के नाम से भी एक वॉलेट है जो मैं भी अक्सर ये यूज़ करता हूँ, तो BTC में अक्सर उसमें लेता हूँ। अब वहाँ पे तो BTC आ गए उस वॉलेट में, अब उस वॉलेट से जैस कैश में कैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल गाइड करने लगा हूँ और तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि कैसे आपने इसमें डिपॉजिट करके विड्रॉ लेना है। तो आपने क्या करना है, Coinbase में आपने BTC ले लिए, ठीक है, वहाँ से आपकी किसी वेबसाइट से अर्निंग हुई, आपने Coinbase में ले ली पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने Coinbase से इस वॉलेट एड्रेस में पेमेंट देनी है BTC के, मतलब बक्स मिल का जो अकाउंट है इसमें वो पेमेंट ट्रांसफर करनी है। ये आपको वो अमाउंट एक्सचेंज करके आपके PKR में कर देंगे, फिर आप यहाँ पर जेस कैश के जरिए, इजी पैसा के जरिए, या बैंक ट्रांसफर या स्क्रिल है, पायर है, जिसमें आपका दिल करे आप उसमें पेमेंट इजीली ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। आपने बिटकॉइन पे क्लिक करना है यहाँ पर, जैसे ही बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक एड्रेस सामने शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने Coinbase अकाउंट में जाना है। Coinbase अकाउंट में जाकर आपने सेंड पेमेंट पे क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने Coinbase अकाउंट में जाना है, और यहाँ आपका अगर बैलेंस मौजूद हो BTC में या किसी में भी तो आपने यहाँ से सेंड पे क्लिक करना है, और यहाँ आपने BTC सिलेक्ट रखना है, और यहाँ आपने जितना अमाउंट सेंड करना है BTC में आपके पास, जितना आपके पास मौजूद है, जितना आप भेजना चाहते हैं, यहाँ आपने बैलेंस 100 लिख के, तो यहाँ आपने वो एड्रेस को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था वहाँ बक्स मेल अकाउंट से, और यहाँ से आपने सेंड कर देना है। थोड़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ घंटे में, दो घंटे में आपके सामने यहाँ पर इसकी पेमेंट शो हो जाएगी, और आपने फॉरन डिपॉजिट के ऊपर जाना है, और डिपॉजिट के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपका अवेलेबल बैलेंस आपका शो हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपने अब जैस कैश में उसको विड्रॉ कैसे लेना है बहुत ही आसान तरीके। जब आपके यहाँ पर PKR में बैलेंस आ गया तो आपने दोबारा से मैनेजमेंट पे जाना है और यहाँ आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे ये पूछेगा कि आपने किस में पेमेंट लेनी है, भाई हमने जैस कैश में लेनी है या इसी पैसा में लेनी है या बैंक ट्रांसफर में लेनी है
या कोई स्क्रिल में लेना चाहता है या कोई पायर में लेना चाहता है तो वो इसी तरीके से आप जा सकते हैं। मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कि जैस कैश में आपने कैसे ट्रांसफर करने हैं। आपने जैस कैश पे क्लिक करना है और जैस कैश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने यहाँ वो अपना जैस कैश का नंबर लिख देना है जो जिस पर आपका वो अकाउंट बना हुआ है और यहाँ आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ आपने उसका एंटर पिन करके अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखें यहाँ मेरा ये अकाउंट टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है जैस कैश का। ठीक है, मैंने नंबर हाइड कर दिया है। यहाँ पर देखें यहाँ मेरा आशर अली होल्डर नेम लिखा हुआ आ गया, यहाँ जैस कैश आ गया और ये आईडी आ गई। अब उसके बाद आपने यहाँ विड्रॉ कैसे लेना है, उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर अपडेट कर लिया तो आपने दोबारा से मैनेज फंड पे जाना है और यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जैस कैश का मेथड सामने शो हो जाएगा। अगर आप कोई और मेथड यूज करना चाहते हैं तो ऐड न्यू मेथड करके क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कितना विड्रॉ लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, जितना आपका बैलेंस पड़ा हुआ हो। आप यहाँ 100 रुपए लिख के विड्रॉ रिक्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपने इंस्टेंटली लेना है या 24 घंटे के टाइम में लेना है। अगर आप इंस्टेंटली लेंगे तो आपसे ये 10% कमीशन चार्ज करेगा और उसी वक्त आपके अकाउंट में पेमेंट दे देगा। अगर आप इससे थोड़ा टाइम दे देते हैं और कहते हैं कि भाई हमें 24 घंटे के अंदर पेमेंट चाहिए तो फिर आपसे ये कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा और आपका विड्रॉ 24 घंटे में आपके जैस कैश में आ जाएगा। बहुत ही आसान और तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और ये वेरीफाइड है। मैं कैश माल पे भी वीडियो बनाऊंगा लेकिन कैश माल में और बक्स मिल में थोड़ा सा फर्क है। बक्स मिल मैंने वेबसाइट का अकाउंट इसलिए जल्दी पहले बनाया है क्योंकि बक्स मिल कमीशन ज्यादा चार्ज नहीं करती है, कैश माल थोड़ा कमीशन ज्यादा चार्ज करती है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन भी ज्यादा है, वो एड्रेस भी मांगते हैं, CNIC भी आपका स्कैन हुआ मांगते हैं और बिजली का बिल अगर आपका जो वेरीफाई एड्रेस है वो मांगते हैं, तो उस तरीके से वो पहले आपका रिव्यू करते हैं उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वेरीफाइड हुआ है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।